तुम विष्णु के पराक्रम एवं शत्रुओं का विनाश करने वाले हो। तुम जलों में स्थित एवं वरुण का तेज हो। मैं जलों में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता हूँ तथा जलों से उसे हटाता हूँ। मैं जिससे द्वेष करता हूँ अथवा जो मुझसे द्वेष करता है उसका विनाश हो, प्राण उसका त्याग करें। तुम विष्णु के पराक्रम एवं शत्रु विनाश करता हो। तुम कृषि में स्थित एवं अन्न के तेज हो। मैं कृषि में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता हूँ तथा कृषि से उसे हटाता हूँ। हम जिससे द्वेष करते हैं अथवा जो हमसे द्वेष करता है उसका विनाश हो, प्राण उसका त्याग कर दें। तुम विष्णु के पराक्रम एवं शत्रु विनाश करता हो। तुम प्राणों में स्थित हो एवं पुरुष तुम्हारा तेज है। हम प्राणों में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं और उसे प्राण से दूर करते हैं। जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं उसका विनाश हो, प्राण उसका त्याग कर दें। जीते हुए पदार्थ हमारे हैं और लाए हुए सभी पदार्थ भी हमारे हैं। शत्रुओं की सभी सेनाएं और शत्रु पराजित हो गए हैं। अमुक गोत्र में उत्पन्न एवं अमुक माता का पुत्र यह मेरा शत्रु है। मैं इसके वर्ष, तेज, प्राण एवं आयु को घेरता हूँ तथा इस शत्रु को पराजित करता हूँ। जो मार्ग दक्षिण में फैला हुआ है और जिसे सूर्य ने आवृत किया हुआ है, मैं उस मार्ग का अनुगमन करता हूँ। यह दक्षिण दिशा मुझे धन एवं ब्रह्म तेज प्रदान करे। मैं प्रकाश से पूर्व दिशाओं का अनुवर्तन करता हूँ। वे दिशाएं मुझे धन प्रदान करें एवं ब्रह्म तेज दें। मैं सप्त ऋषियों का अनुवर्तन करता हूँ, वे मुझे धन प्रदान करें एवं ब्रह्म तेज दें। मैं ब्रह्म का अनुवर्तन करता हूँ, वह मुझे धन प्रदान करें और ब्रह्म तेज दें। मैं ब्राह्मणों के अनुकूल आचरण करता हूँ, वे ब्राह्मण मुझे धन एवं ब्रह्म तेज प्रदान करें। हम जिसे खोज रहे हैं उसे वध के साधन अर्थात आयुधों के द्वारा नष्ट करें। हम मंत्र बल से उसे परमेष्ठी अर्थात ब्रह्म की दाढ़ के नीचे डाल दें। वैश्व वानर अर्थात अग्नि की जो दाढ़ आयुध के समान है, हम शत्रु को उसमें धारण करते हैं अर्थात रखते हैं। उस शत्रु का नाश करके अग्नि में जो समीधा डाली जाती है वह दिव्य समीधा शत्रु को दूर भगाने में समर्थ है। तू राजा वरुण के बंधन में पड़ा है। वे इस गोत्र वाले एवं अमुक माता के पुत्र को अन्न और प्राण के बंधन में बांधते हैं। हे पृथ्वी के स्वामी, तुम्हारा जो अन्न पृथ्वी पर बिखरा हुआ है वह पृथ्वी के स्वामी प्रजापति हमें प्रदान करें। हे दिव्य जलों, मैं तुमसे याचना करता हूँ, तुम मुझे अपने रस से संयुक्त करो। हे अग्निदेव, मैं अन्न लेकर आ रहा हूँ, तुम मुझे तेज से युक्त बनाओ। हे अग्निदेव, तुम मुझे तेज से युक्त करो एवं संतान प्रदान करो। समस्त देव मेरे इस भाव को जाने, ऋषियों के साथ साथ इंद्र भी मेरे इस भाव को जाने। हे अग्निदेव, जो लोग एकत्रित होकर हमें गालियां दे रहे हैं तथा जो बोलने वाले दोषपूर्ण वाणी का उच्चारण कर रहे हैं, जो शत्रु अपने क्रोधपूर्ण हृदयों के कारण तुम्हारे बाणों के लक्ष्य बन रहे हैं, अपने ज्वाला रूप बाणों से उनके हृदयों को भेद दो। हे अग्निदेव, अपनी ज्वालाओं से इन राक्षसों को दूर भगा दो एवं इन्हें नष्ट कर दो। तुम अपनी लपटों से मूर्खों को दूर भगा दो। जो दूसरों के प्राणों को नष्ट करके संतुष्ट होते हैं तुम उनका संहार करो। इन मंत्रों को जानने वाला मैं इस शत्रु का सिर तोड़ने के लिए उस वज्र का प्रहार करता हूँ जो जलों के चारों ओर विनाश करने वाला है।
वह वज्र इस शत्रु के सभी अंगों को काट दे। मेरा यह कर्म समस्त देव अनुकूलता से जाने अर्थात उचित समझें। सुक्त छठा, देवता वनस्पति फला मणि। बंधुओं में जो मेरा शत्रु दुष्ट हृदय वाला और द्वेष करने वाला है, उसका शीश भी मैं वेग से तोड़ता हूँ। फाल से उत्पन्न यह मणि मेरे लिए कवच बनकर रक्षा करेगी। मंथन की सामर्थ्य एवं रस बल से युक्त होने के कारण समर्थ यह मणि मेरे पास आई है। कुशल बड़ई जो तुझे औजार सहित हाथ से मारता है अर्थात छीलकर तेरा निर्माण करता है, इसी कारण जीवन देने वाले एवं पवित्र जल तुझे शुद्ध करें और पवित्र बनाएं। सुवर्ण की माला से युक्त यह मणि श्रद्धा यज्ञ एवं तेज को धारण करती हुई हमारे घर में अतिथि बनकर निवास करे। हम इस अतिथि के लिए घृत मदिरा शहद और अन्न देते हैं। जिस प्रकार पिता पुत्र को परम कल्याण देता है, उसी प्रकार यह मणि मुझे कल्याण दे। यह मणि देवों के समीप से मेरे पास आकर बार बार और प्रतिदिन मुझे सुख प्रदान करे। यह मणि फाल से उत्पन्न घृत टपकाने वाली बलयुक्त एवं खदिर अर्थात खैर वृक्ष की लकड़ी से बनी है। बृहस्पति ने बल प्राप्ति के लिए इसे बांधा था। अग्नि ने यह मणि मुझे दी है। हे यजमान, यह मणि तुझे बार बार और प्रतिदिन बल प्रदान करे, जिससे तू प्रतिदिन एवं बार बार शत्रुओं का विनाश कर सके। यह मणि हाल से उत्पन्न घृत टपकाने वाली बल युक्त एवं खदिर अर्थात खैर वृक्ष की लकड़ी से बनी है। बृहस्पति ने बल प्राप्ति के लिए इसे बांधा था। इंद्र ने बल वीर और सुख प्रदान करने हेतु इस मणि को मुझे दिया है। हे यजमान, यह मणि बार बार और प्रतिदिन तुझे बल प्रदान करे, उस बल की सहायता से तू शत्रुओं का विनाश करे। बृहस्पति ने जिस फाल से उत्पन्न घी टपकाने वाली शक्तिशालिनी एवं खैर वृक्ष की लकड़ी से बनी मणि को बल प्राप्त करने के लिए बांधा था, उसे सोम ने महत्व सुनने की शक्ति और उत्तम दृष्टि पाने के लिए मुझे प्रदान किया है। हे यजमान, यह मणि तुझे बारंबार एवं प्रतिदिन तेज प्रदान करे, जिसकी सहायता से तू अपने शत्रुओं का विनाश कर सके। बृहस्पति ने हाल से उत्पन्न घी टपकाने वाली शक्तिशालिनी एवं खैर वृक्ष की लकड़ी से बनी मणि को बल प्राप्ति के लिए बांधा था, उसे भगवान सूर्य ने मुझे दिया था। इससे मैंने सभी दिशाओं को जीत लिया था। हे यजमान, यह मणि तेरे लिए प्रतिदिन और बार बार ऐश्वर्य प्रदान करे, जिसकी सहायता से तू अपने शत्रुओं का विनाश कर सके। बृहस्पति जी ने हाल से उत्पन्न घी टपकाने वाली शक्तिशालिनी एवं खैर वृक्ष की लकड़ी से बनी मणि को बल प्राप्ति के लिए बांधा था, उसे धारण करते हुए चंद्रमा ने असुरों के नगरों एवं दानियों के स्वर्णों को जीत लिया था। यह मणि इस यजमान के लिए बार बार एवं प्रतिदिन श्री प्रदान करे। हे यजमान, उसकी सहायता से तुम अपने शत्रुओं का विनाश करो। बृहस्पति जी ने जिसको यह मणि वायु के समान शीघ्र गति प्राप्त करने के लिए बांधी, उसके लिए यह मणि प्रतिदिन एवं बार बार घोड़े प्रदान करे। हे यजमान, उनकी सहायता से तू अपने शत्रुओं का विनाश कर। बृहस्पति देव ने जिसे यह मणि वायु के समान शीघ्र गति प्राप्त करने के लिए बांधी, उसी मणि के द्वारा अश्वनी कुमार इस कृषि की रक्षा करें। इसने अश्वनी कुमारों का बारंबार एवं प्रतिदिन महत्व प्रदान किया। हे यजमान, इस मणि की सहायता से तू
अपने शत्रुओं का विनाश कर। बृहस्पति देव ने जिसको यह मणि वायु के समान वेग प्राप्त करने के लिए बांधी थी, उसे धारण करते हुए सविता देव ने स्वर्ग को विजय किया। उसने यजमान के लिए सत्य प्रदान किया, हे यजमान, इससे तू अपने शत्रुओं का विनाश कर।